तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भाई, कलाकारों की जानकारी आपको देते ही हैं, साथ में देते हैं आपको सुविधाओं की जानकारी। अभी भाई मैं बाड़डा में खड़ा हुआ हूँ, दादरी क्षेत्र के नीचे आता है हरियाणा में, और आपको पता है भाई कि ट्रैवलिंग का आजकल बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों का इधर से उधर जाना पड़ता है, बिजनेसमैन टूरिस्ट और हर बंदे को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और दूसरे स्थान पर जाने के लिए जरूरत होती है भाई रात को ठहरने की, रुकने की। तो आजकल होटल्स की सुविधा हर शहर में हो गई है। तो अभी भाई बाड़डा में खड़ा हूँ मैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हो होटल चहल पैलेस यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ भी इनका बोर्ड लगा हुआ है, उधर दिखाएंगे तो मैं कहूँगा, और इधर भी लगा हुआ है आगे। आज मैं इसी होटल की सारी सुविधाएं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, और बताऊंगा क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर आप बाड़डा में कहीं से भी आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं या फिर राजस्थान से आ रहे हैं, आपको कहीं आगे जाना है, रात में रुकने की दिक्कत है, पता नहीं कि कहाँ पे रुके, तो इस होटल में आप आकर रुक सकते हैं। इसकी सुविधाएं बताऊंगा, फैसिलिटी बताऊंगा, फुल्ली फैमिली होटल है भाई। यहाँ पे मालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं आशीष चहल भाई, उनसे बात करेंगे और आपको सारी सुविधाएं दिखाएंगे। आइए पहले हम अंदर चलते। तो भाई होटल चहल पैलेस के यहाँ पे रिसेप्शन पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर एक भाई पहले से बैठा हुआ है, बातें चल रही हैं। तो आओ एक बार आशीष भाई से बात करते हैं, और भाई साहब भी बैठे हैं। भाई राम राम। राम राम भाई, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया भाई। तो यहाँ पे आए रिसेप्शन पे होटल के बारे में जानने के लिए आए हो? अच्छा अच्छा, आशीष भाई स्वागत है चैनल पर। भाई क्या हाल भाई? भाई बढ़िया बढ़िया, सुनाओ कैसे हो? बस बढ़िया भाई, और आप बताओ? ठीक ठाक। बढ़िया, होटल के बारे में पता चला तो मैं एक बार विजिट कर लेते हैं। बढ़िया काम करे भाई आपने। तो अपनी फैसिलिटी बता दो एक बार थोड़ी, क्या क्या है अगर बाहर से आता है तो? फैसिलिटी सर हमारे पास होटल के फैमिली रूम है हमारे पास, बैंकेट हॉल हमारे पास, पार्टी हॉल है, मीटिंग हॉल है, पार्किंग सुविधा है ऊपर। अच्छा, जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए उनके लिए झूलों की विशेष सुविधा है, और यहाँ पर जैसे टूरिस्ट जाते हैं खाटू श्याम, साला सर और भीम सर जैसे जयपुर जाते हैं उनके लिए विशेष रूमों की सुविधा है। अच्छा, तो मतलब रूम कितने हैं अपने पास टोटल? रूम सात रूम है सर, सात आठ रूम है मतलब। तो भाई अगर आप फैमिली के साथ आते हो या फिर सिंगल आते हो तो आप जरूर इस होटल में बाड़डा में रुक सकते हो भाई, फैमिली के लिए और सिंगल लोगों के लिए ये अच्छी सुविधा है होटल चहल पैलेस में। इसका जो डिस्क्रिप्शन में नंबर और लोकेशन में डाल रहा हूँ, आप लोग आने से पहले एक बार कांटेक्ट जरूर कर लें यहाँ पे, और आने के साथ भी लोकेशन भी डाल दूंगा, सीधा लोकेशन खोल के सीधा यहाँ पे आके इनसे बात कर लो। और रेट राट आशीष भाई? नॉर्मल रेट है सर, नॉर्मल रेट है, एक घंटे के हिसाब से, दो घंटे के हिसाब से, ये 24 घंटे के लिए सर, 24 घंटे के हिसाब से ही है, फुली डे चेक इन चेक आउट का सिस्टम रहता है, कुछ नहीं है, 24 घंटे के लिए होता है सर। अच्छा, पूरा मतलब जिस टाइम आप आए उसी टाइम अगले दिन। भाई ये बहुत अच्छी चीज है, अगर हम अदर होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपको सुबह 11 बजे चेकआउट करना ही पड़ेगा, चाहे आपको रात को 9 बजे आए हो, 10 बजे आए हो, चार्ज आपको 24 घंटे का ही देना पड़ता है, चाहे आप 12 घंटे रुको, लेकिन यहाँ पे अगर 24 घंटे रुकता है तो उसी का चार्ज मतलब रहेगा। हाँ सर, 24 मतलब आज 11 से आज 1 से कल 1 तक रुक सकता है मतलब। हाँ सर, उसको कोई बोधरेशन नहीं है, नहीं। वही एक अच्छी सुविधा है कि चेक इन चेकआउट का कोई सीन नहीं है, आप जब भी आते हो फैमिली के साथ या फिर जैसे भी घूमने के लिए आते हो, रेस्ट करना है आपको, सोना है, काफी होटल्स में होता है कि भाई की उतना ही चार्ज लग जाता है जितना 24 घंटे में लगता है, तो ये एक अच्छी सुविधा है। आशीष भाई एक बार दिखा देंगे हमें पार्टी हॉल वगैरह, विजिट करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आओ भाई एक बार विजिट कर लेते हैं इनसे, पूरा होटल देख लेते हैं, दिखाते हैं आपको जो भी पार्किंग है, मीटिंग हॉल अपना मीटिंग है सर, देख लेते हैं आओ। तो भाई अभी ये मीटिंग हॉल में है, बैठे हुए यहाँ पे सर। आशीष भाई बताओ पहले मीटिंग हॉल के बारे में। मीटिंग हॉल सर जैसे कोई भी किसी भी चीज के लिए हम इकट्ठे बैठकर 15 से 20 आदमी यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं, ऑफिस के लिए कोई भी, हम अगर मालिक कोई प्रचार कर बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए। वाह भाई शानदार, ये आप देखेंगे भाई पूरा डेकोरेशन और पूरा इंटीरियर जो है, बैठने की व्यवस्था जो है शानदार है। आइए एक बार आशीष भाई बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में। और भाई अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए बाड़डा में आ रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं बाड़डा में, आपको कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है अपनी टीम के साथ, और ये समस्या है कि आपको 10-15 लोगों की बैठने की जगह नहीं मिल रही अच्छी, तो भाई यहाँ पर ये इंटीरियर आप देख रहे हो बिल्कुल शांत है, फुल्ली एसी है, और पीछे तोते भी रखे हुए हैं वैसे। हाँ सर ये और शोभा बढ़ा रहे हैं यहाँ की। ये कहाँ से लेके आया आशीष भाई, ये किसका? ये सर मैं राजस्थान में गया था घूमने के लिए। अच्छा, साला सर खाटू श्याम की तरफ, तो वहां पर मैंने देखा एक होटल के अंदर, तो उनसे भाई से पूछा, उन्होंने एड्रेस दिया, जुनून से आते हुए सर में लेके आया राजस्थान से। तो ये भी है भाई अच्छी सुविधा, अलग बनाता है ये चीजों को, क्योंकि नॉर्मल एक अच्छा माहौल मिले जब आप होटल्स में जाते हो, अच्छी फैसिलिटी मिले तभी रुकने का मन करता है, वरना बाकी काफी होटल्स की ऐसी सिचुएशन होती है घुसने के साथ ही अलग तरह का ही वहाँ पे माहौल हो जाता है, वहाँ पे रुकने का मन भी नहीं करता, लेकिन होटल चहल पैलेस में बैठे हैं आशीष भाई। ये तो चलो मीटिंग हॉल हो गया, ये भी मतलब चार्जेस इसके भी नॉर्मल ही होंगे, नॉर्मल चार्जेस हैं इसके भी। इसके अलावा और जो मतलब दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान की तरफ निकलते हैं, जयपुर, सालासर, खाटू श्याम, अलग अलग जगह,
उनके रुकने की सुविधा उनके लिए क्या स्पेशल है? वो उनके लिए स्पेशल सर ये है, अगर कोई भी टूरिस्ट 500 किलोमीटर दूर से कोई फैमिली आती है ना, उसके लिए खाने की बिल्कुल छूट है सर, उसके कोई चार्ज नहीं लगता उसको। अच्छा, खाना बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है सर। भाई शानदार, ये भाई अलग चीज है कि अगर कोई भी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है दिल्ली साइड से या पीछे से, अगर उसको खाटू श्याम या सालासर जाना है जयपुर राजस्थान में, क्योंकि यहीं से ये मेन रास्ता है यहाँ से जाने का, और यहाँ पर अगर आपको रेस्ट करना है रुकना है तो इस होटल में अगर आप रुकते हो तो रुकने की व्यवस्था तो है ही है, साथ में आपका खाना भी फ्री है जितने भी लोग आप होते हो, तो ये चीज एक अलग। तो आशीष भाई इसमें तो फिर आप पैसे की तरफ तो आप देख नहीं रहे, मतलब काफी लोग बिजनेस के लिए होटल करते हैं। बिल्कुल सर, ये पैसे के लिए नहीं बनाया सर, ये बस पापा ने, हम बैठे थे मैं और पापा बात कर रहे थे, तो यहाँ जैसे टूरिस्ट जाते हैं सालासर खाटू श्याम के लिए, तो उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम एक बार सड़क पर खड़े हुए थे, तो वहां पर मैं खड़ा था, तो गाड़ी लेके आए वहां पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला सर यहाँ पर कोई होटल मिल जाएगा रहने के लिए, मैंने मना कर दिया उनको, क्योंकि फैमिली कोई फैमिली रूम होटल कोई इधर नजदीक था नहीं, तो फिर हम घर पर बैठे थे पापा और मैं, दोनों ने बैठ के बातचीत की, फिर पापा बोला भाई बारडा में ऐसी संस्था खोलेंगे जिसमें कोई भी हमारे आने वाले जितने भी टूरिस्ट होंगे उनके लिए कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमें ये फैमिली रूम फैमिली होटल बनाएगा सर। मतलब भाई बारडोड़ा क्षेत्र में भी भाई अब ऐसी चीजें बन गई है जो बारडोड़ा क्षेत्र को अलग बनाती हैं बाकी से, अलग यही है क्योंकि फैमिली होटल और सिंगल स्पेशल फैमिली होटल, मतलब पूरा और अच्छा वेल फैसिलिटी के साथ आपको मिल रहा है, और बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस पे, जो अलग लोगों के चार्जेस होते हैं वही यहाँ पे चार्जेस हैं। आशीष भाई एक सवाल और है मेरा कि मतलब बाकी होटल सापा देखते हैं, ओयो के होटल देखते हैं, तो वो कपल्स के लिए भी होते हैं, जैसे आप आजकल आपको पता है कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट, तो आप लोगों ने फिर अगर कपल्स के लिए क्यों नहीं, कपल्स के लिए इसलिए नहीं किया गया सर, जैसे कोई बाहर से टूरिस्ट आता है उनके लिए अगर फैमिली साथ है तो उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सर। मतलब कपल्स को रख के आप पैसे ज्यादा कमा सकते हो? पैसे नहीं कमाने सर, मुझे पैसे नहीं कमाने सर, बस कोई इधर टूरिस्ट जाता है उनके लिए कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसको सोच के यहाँ पर होटल उनको थोड़े रुपए में कम रुपए में अच्छी सुविधा मिल सके, इसलिए। बहुत बढ़िया भाई, ये भी एक अलग सोच है भाई जो बिजनेस से अलग हमें बनाती है, क्योंकि बिजनेस तो सारे लोग कर रहे हैं, पैसे के लिए सारे भाग रहे हैं, लेकिन बिजनेस से अलग ये सोच अपने एरिया का नाम रोशन करने के लिए, कि अगर कोई बाहर से अलग स्टेट से कोई बंदा आता है और यहाँ पर अगर आकर रुकता है तो जरूर बारडोड़ा की तारीफ करके जाएगा, उससे हमारा नाम अलग ही चमकता है आपके क्षेत्र का। आशीष भाई एड्रेस एक बार जरा बता दो, आगे भी हम बात करेंगे लेकिन एड्रेस लोगों को एक बार बता दो। एड्रेस सर बारडा जेवली रोड एसएसआई कैंटीन के पास होटल चैल प्लेस, ऑन रोड है भाई, बिल्कुल ऑन रोड आपको बोर्ड लगा भी मिल जाएगा, और ऑन रोड उसकी लोकेशन भी मैं डाल दूंगा, लोकेशन आपको मिल जाएगी, साथ में एड्रेस डाल दूंगा, साथ में इनकी मैनेजमेंट का नंबर भी डाल दूंगा अगर आप पहले आना चाहते हो। अगर आशीष भाई ऐसा है कि कोई फैमिली लंबा टूर लेके आते 10-12 दिन के लिए, किसी को रुकना है, कोई सिंगल बंदा है, ऑफिस वाला है, कोई भी 10-12 दिन के लिए रुकना चाहता है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए सर हमारे पास एक रूम, सभी रूम के अंदर लैट्रिन बाथरूम किचन उसके अंदर ही अटैच है सर। अगर कोई 15 या 10 दिन के लिए अपनी फैमिली को लेने के लिए इधर आता है घुमाने के लिए, तो अपना खाना बना सकते हैं, अपनी फैमिली को उसके घूमने के लिए बाहर बालकनी की सुविधा दी गई है, बच्चों को आराम से खड़ा करके दिखा सकते हैं, ऊपर झूले लगा रखे हैं सर, पूरी मतलब घरवाली सुविधा है, पूरी घरवाली सुविधा। 10-12 दिन अगर कोई रुकता है तो कुछ भी नहीं लेके आना सर, हर आइटम इधर मिलेगा उसको। अच्छा, 10-12 दिन के लिए रुकता है तो चार्जेज में भी छूट मिलेगी उसको? बिल्कुल बिल्कुल छूट है सर उसके लिए। तो ये पूरा भाई दिखा देंगे एक बार पीछे से, तो पूरा ही जो इसको बनाया गया है तो बिजनेस मीटिंग के लिए इसको डेकोरेट किया गया है, ताकि मीटिंग वगैरह हो सके या फिर कोई फैमिली साथ में रिंग सेरेमनी वगैरह के लिए भी गेस्ट वगैरह अगर रुकते हैं। और डेकोरेशन जो की गई है वो बहुत शानदार की गई भाई, इसको इंटीरियर जिसने भी डिजाइन किया है, इंटीरियर डिजाइन करने का बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अब हम आपको यहाँ के रूम्स दिखाते हैं भाई, रूम भी देख लो, क्योंकि आप बोलोगे कि हवा हवाई बातें बातें कर दी, रूम वगैरह कुछ दिखाया नहीं, फैसिलिटी दिखाई नहीं, तो हम लोग ऊपर चलते हैं और रूम वगैरह देखते हैं। आशीष भाई आइए ऊपर रूम देखते हैं। तो भाई ये ऊपर आ गए आप, यहाँ पे वाह यार, ये डाइनिंग टेबल तरह से डिजाइन किया गया और देसी बिल्कुल हरियाणा जी डाल के आ रहा है, वो डाल के डाइनिंग टेबल भाई अपने मुड्डे, और टेबल भी आप देखोगे तो जैसे उसी लकड़ी की बड़ी हुई है। आओ भाई रूम में भी देख ले भाई साहब, एक बार नोक कर लेते हैं भाई, क्योंकि डायरेक्ट घुसना अच्छा नहीं होता। हेलो भाई कैसे हो? राम राम जी। कहाँ से हो भाई आप? यमुनानगर से आए भाई। तो भाई फैसिलिटी वगैरह कैसी है अपने यहाँ पे होटल? अच्छी हैं भाई, ये कस्टमरों के विचार हैं भाई, क्योंकि अच्छी सुविधा अगर मिलती है। आशीष भाई ये आपकी कमाई है, ऐसे तो नहीं है आपकी कमाई है, और भाई अगर ऐसी सुविधा किसी को मिले, खुद कस्टमर बोले कि भाई हाँ
अलग है सभी होटल से, तो आप लोगों को भी मजा आएगा अगर आप लोग एक बार विजिट करोगे। आसपास से कहीं जा रहे हो तो जरूर बाड़ा में जेवली रोड पे आके, डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो कभी भी देख लियो, हमेशा मिलेगी और नंबर भी मैं दे रहा हूँ मैनेजमेंट का। और बाड़ा में आके आप पूछो भी कि होटल चहल पैलेस कहाँ पे है, तो शायद सारे आपको बता देंगे पूरे बाड़ा में। बस स्टैंड से बिल्कुल पास में है जो मेन चौक बाड़ा है, वहां से भी बिल्कुल पास में है, तो आप लोग कहीं से भी आ सकते हो फैमिली के साथ। और सिंगल अगर आप बिजनेस के लिए आ रहे हो, ऊपर सेकंड फ्लोर पे आपको ले चलते हैं एक बार। भाई अभी हम होटल चहल पैलेस के सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ से भाई बोर्ड भी दिख रहा है आपको, ऑन रोड है बिल्कुल, ये देख लेंगे आप होटल चहल पैलेस रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल बिल्कुल रोड के ऊपर है, जेवली रोड है आशीष भाई। हाँ सर, जेवली रोड, ये जेवली रोड है भाई, आगे जाएंगे आपको मेन चौक मिल जाएगा बाड़ा का। तो आप आ रहे हो तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे अब हम है। और वाह यार ये डाइनिंग टेबल भाई देखो, नीचे तो आपने देसी मुजारा देखा था भाई, यहाँ पे आप वेस्टर्न डाइनिंग टेबल देख सकते हो। अगर आप वेस्टर्न तरह से बैठ के खाना खाना चाहते हो, देसी वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए नीचे जुगाड़ है, और अपना बाहर से अगर कोई फैमिली है तो उसके लिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो। भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, भाई राम राम। कैसे भाई, कहाँ से हो भाई? मैं दिल्ली से हूँ भाई। अच्छा, तो यहाँ पे भाई कैसी है फैसिलिटी वगैरह? भाई बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया प्राइस होता है, बहुत साफ सफाई बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारे की फैसिलिटी भी बढ़िया है, एसी नॉन एसी रूम, मतलब प्राइस बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है। बाकी होटल्स में भी आप जाते हो तो? हाँ जाते हो, इसमें कुछ डिफरेंस है? वो डिफरेंट है भाई, थोड़ा सा बाहर का व्यू भी अच्छा है यहाँ पे, मतलब रहने का भी ठीक है, बढ़िया व्यवस्था बहुत बढ़िया। और ऊपर से पूरा फैमिली है, कपल्स भी आ जाओ, फैमिली भी आ जाओ, मतलब स्पेस भी ठीक है, रूम्स भी अच्छे हैं, क्लीनिंग भी बहुत अच्छी है, क्लीनिंग अच्छी है, खुला हुआ है भाई। भाई राम राम भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, एकदम से भाई सरप्राइज दे दिया भाई। भाई वीडियो बन रहा है, मैं यूट्यूबर हूँ भाई। फैसिलिटी कैसी है इस होटल की? फैसिलिटी ओरिजिनल व्यू, फैसिलिटी तो बढ़िया भाई जी, एकदम एक नंबर की, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया एकदम, देख सकते हो आपके सामने एसी रूम है भाई, भाई तो चिल ले रहे हैं गर्मी में, तो गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर। तो भाई क्लीनिंग वगैरह बाकी होटल से? भाई क्लीनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, और मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी रखी है भाई ने होटल की, हर चीज एक तरह से फिक्स है मतलब जो। और पैसे वगैरह भी ठीक है, प्राइस बाकी होटल से ठीक है? हां प्राइस बढ़िया है, इस तो बहुत सस्ते से भी है, जेन्युइन है मतलब बाकी होटल भाई, ये ओरिजिनल भी है भाई। खाने वाने की भी ठीक सुविधा है यहां? हां भाई खाने वाने की वजह से सब कुछ। चलो आशीष भाई, ये तो लोगों के व्यू हैं, देख लिया हम लोगों के व्यू तो, लेकिन सब तो मैन हो रहा है, अगर बाथरूम वगैरह भी देखते हैं सारे होटल्स में कि बाथरूम कितने साफ हैं, क्योंकि साफ सफाई वहीं से दिखती है, रूम की तो साफ सफाई हर जगह हो ही जाती है। बाथरूम और दिखा दो, अगर रूम का तो मैंने देखा अभी। अच्छा बाहर ही है क्या? हां सर, ये बाहर है भाई बाथरूम, ये भाई बाथरूम दिखा देंगे अंदर जाके, मैं बोलूँगा हमारे साथी से। साफ सफाई, बाथरूम की क्लीनिंग भाई, और जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बाकी होटल्स में देखते हैं कि नहाने की व्यवस्था होती नहीं है, एक हाथ अगर बाहर निकाला ढंग से तो दूसरी दीवार के साथ बैठ जाओ है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा एरिया काफ़ी स्पेस है। और ये पानी भी रखा हुआ है भाई, थोड़ा सा पानी तो पी लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज भाई। बहुत ही शानदार सुविधाएं आपने कर रखी हैं लोगों के लिए, सैल्यूट है। आपके फादर साहब का आइडिया बहुत शानदार था, मतलब होटल का आपके फादर साहब ने जब ये बोला आइडिया, तो उन्होंने फाइनेंशियली कुछ देखा ही नहीं, पैसे वैसे का कुछ नहीं देखा था, पैसे के लिए सिर्फ ये बोला कि भाई सुविधा। यहाँ पर जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, जैसे सालासर घूमने के लिए गए हुए हैं, वापिस आते हैं, उधर जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, उनके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था हो कम पैसे में, इसलिए सोच के आप। तो भाई अब आ गए हैं सबसे टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे शाम को बैठने का व्यू, शाम को घूमने का व्यू, टहलने का व्यू, क्योंकि पूरे दिन काम करके अगर ऑफिस का काम कर रहा है बंदा, स्ट्रेस में आ गया, या वैसे ही आपको नॉर्मल टहलना है, बाकी होटल्स में ऐसी कोई सुविधा होती नहीं, सिर्फ आपको टहलना भी है। और डेकोरेशन वगैरह तो आशीष भाई ने शानदार कर ही रखी है पूरे होटल में, नीचे से लेके ऊपर तक। और बाहर का व्यू अगर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर आगे छत पे, तो बाहर का व्यू भी शानदार है, पूरा बाड़ा है उधर से भी आपको दिख रहा होगा। और ये व्यू भाई झूलों का व्यू देखिए आप, ये है व्यू भाई शानदार, जो शाम का बैठ के टहल के। आशीष भाई ये चीज़ तो गजब ही करवा रखी है यार, ये कहते हैं टूरिस्ट आते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, शाम के स्पेशल है क्योंकि भाई ऐसी आपको आपको ऐसा ना लगे कि भाई घर से बाहर आए हुए हैं, या फिर आपको बंद के रहना पड़ रहा है, सारी वही सुविधाएं। अगर महिलाएं हैं शाम को बैठ के, चार पांच महिलाएं साथ में, बच्चों को जाना चाहती हैं, यहाँ पे आराम से तैयार भी करते हैं लोग, आराम से काम करते हैं, भाई बैठे भी हुए हैं, और इधर से पूरा बाग देगा भी दिखेगा भाई, बीमार बैठे पूरा 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 दिख जाएगा, और हर दीवार से कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिविटी मिलेगी भाई, तो रिलैक्सिंग के लिए भाई जगह सब शानदार है, सारी सुविधाएँ हैं मतलब ए टू जेड पूरा है। और झूलों पर आइए आज भाई सर, यहाँ पर बैठ के बात कर लें, हम भी लेते हैं यहाँ पानी, ये आइडिया भी क्रिएटिविटी वाले का डेकोरेट किया है, किसी और करना है।
मतलब यही होता है, एक कस्टमर से पूछ के रिक्वायरमेंट क्या है उसको पूरी कर देना ही एक संस्था की वो होती है भाई। और सारी सुविधाएं अगर पूरी कर गई संस्था तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है ये। और आप ज़रूर एक बार यहाँ पर विजिट करो, आओ होटल चहल पैलेस में बाड़ुड़ा में। एक बार अगर आप आओगे तो बार बार आओगे, मैंने बता दिया। एक बार फिर आशीष भाई एंड में एड्रेस बता दो लोगों को। एड्रेस सर बाड़ा मैन बस स्टैंड के पास, जेवली रोड के ऊपर एसएसआई कैंटीन के पास होटल चहल पैलेस है। तो भाई इसका एड्रेस और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, नंबर भी डाल रहा हूँ, अगर कोई भी विजिट करना चाहता है कहीं से भी है। और एक और बात आखिर में बोलना चाहूँगा कि भाई बोलो उसमें हम भी जाते हैं, आपको पता है कि ट्रैवलिंग रहती है मेरी भी, इंटरव्यूज वगैरह के लिए, मीटिंग्स के लिए, शूट्स के लिए, तो दिल्ली गुड़गांव बड़े बड़े शहरों में हम भी जाते हैं, लेकिन काफ़ी होटल्स में हर सुविधा नहीं मिल पाती और इस तरह की क्लीनिंग नहीं मिल पाती, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स होती हैं और बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे होटल चहल पैलेस में बाड़ुड़ा में प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलेगी भाई अगर आप एक बार आते हो तो। और एक बार आओगे तो आप, मेरा 100% दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आओगे तो आप बार बार आओगे, ऐसी सुविधा आपको पूरे बाड़ुड़ा में नहीं मिलेगी और रुकने के लिए रेस्ट करने के लिए बेस्ट होटल है। सुबह पार्किंग का तो अलग पैसा लेते ही हो गया आप? नहीं सर, कुछ पार्किंग का भी अलग पैसा नहीं लेते, उसी में इंक्लूड है रूम वाले में, रूम के अंदर ही सर। भाई साहब वाह भाई, इसी को मैं कह रहा था प्रीमियम क्वालिटी, नंबर वन क्वालिटी भाई, यही चीज़ अलग बनाती है बाकी चीज़ों से। क्योंकि बड़े शहरों में आप देखोगे, यहाँ पर भी आप देखोगे कि पार्किंग का अलग स्लॉट होता है, वहाँ पे अलग पैसे लगते हैं उस चीज़ के, पार्किंग के भी अलग 50-100-200 रुपये चार्ज किए जाते हैं पर्ची काट के, ताकि उनका एक अलग बिजनेस बन सकता है। और यहाँ पर ये पार्किंग की सुविधा दी हुई है तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आशीष भाई बता रहे हैं, उसके साथ ही है और भी आशीष भाई, क्योंकि कोई सुविधा टूरिस्ट या फिर और कोई बंदे आते हैं कोई गाड़ी वगैरह में दिक्कत होती है ऐसा कुछ भी सुविधा बता रहे थे? सर जैसे गाड़ी 500 किलोमीटर दूर से चलती आती है, चल चल के आती है तो उसके बाहर दौड़ मिट्टी लगी रहती है तो वो भी अपने यहाँ पर सर्विस वगैरह भी कर देते हैं उसी रेट में। उसी में भाई साहब वाह भाई, ऐसी चीज़ें तो कहीं शायद ही कहीं पे प्रोवाइड होंगी। अगर अब भी, अब तो मैं, मेरा बोलना ही व्यर्थ है भाई, अगर अब भी आप लोग नहीं समझ पा रहे तो वो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि ऐसी एक ही रूम के रेट में, एक ही उसमें पैसे में इतनी सारी सुविधाएं, मतलब ऊपर झूलों से लेके, ऊपर झूले भी फ्री और एसी वाले रूम भी हैं, साथ में पार्किंग भी फ्री, साथ में सर्विस भी फ्री, साथ में अगर कोई बंदा दूर से आता है उसके लिए खाना भी फ्री, दूसरी तीसरी बार आता है तो उसके लिए रूम और खाना दोनों चीज़ें फ्री। तो ऐसी चीज़ें आशीष भाई शायद ही कोई और होटल देता हुआ इसके लिए। भाई शानदार काम आप लोग कर रहे हो और ज़रूर हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई है, आगे भी ज़रूर हम विजिट करते रहेंगे। और भाई मैं खुद भी जैसे यहाँ पे, क्योंकि मेरा भी आना जाना लगा रहता है इस तरफ, तो मैं भी यहाँ पर ज़रूर रुक के आपकी भाई लेना चाहूँगा सेवा का मौका। आशीष भाई काफ़ी, क्योंकि मैं पहले भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम लोग करते रहते हैं, काफ़ी बिजनेसेस के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब बाद में होता है कि हमारा कस्टमर वहाँ पे जाता है, कोई भी हमारी तरफ से जाता है और वहाँ पे बात कुछ और निकल जाती है, फिर सुविधा वगैरह वैसी नहीं मिल पाती, कोई झोल हो जाता है या फिर यहाँ पे भी तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बोल तो रहे हो इतनी सारी सुविधाएं झूले से लेके पार्किंग तक, ऐसा कुछ नहीं। बाद में कस्टमर आए तो आप पार्किंग के पैसे ले रहे हो, वहाँ के लोग ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं सर। ऐसा लगता है तो एक बार जरूर सेवा का मौका देके देखें, उसके बाद उसको सब कस्टमर को पता लग जाएगा कैसा होटल है, क्या है, क्या फैसिलिटी है, सब कुछ गारंटीड चीज़ है ना। बिल्कुल भाई 100% ये चीज़ें पूछनी जरूरी है, क्योंकि बाद में कल को आप मेरे को बोलो, मेरा नाम बदनाम करो कि भाई रोहित ने बोला था कि वहाँ पे चले जाओ, उसके बाद ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई ये भी मेरी तरफ से आपको गारंटी है, मेरे चैनल की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ आशीष भाई, कि आशीष भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें बोली गई वीडियो में बस 100% सही हैं। और भाई अगर आप 3 बार से ज़्यादा बार अगर इस एरिया में आते हो तो आशीष भाई ने बोला है कि आपको रूम भी फ्री दिया जाएगा, अगर 3 बार से ज़्यादा आते हो एक महीने में तो आपको रूम और खाना दोनों चीज़ें फ्री दी जाएंगी। दूर से विजिट करते हो 300-400 किलोमीटर से, अदर स्टेट से, तो 3 बार से ज़्यादा अगर आप एक ही महीने में आपके चक्कर लगते हैं तो उसके लिए रूम भी फ्री है और खाना भी फ्री है भाई। तो ये चीज़ें भी बहुत बहुत अलग हैं, बाकी होटल से अलग बनाती हैं इस एरिया में और शायद ही हर जगह पे ये भाई अलग ही हैं ये सारी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटी बड़े शहरों में भी नहीं मिल पाती। तो आपके शहर में ये बहुत अलग फैसिलिटी है, फैमिली के लिए स्पेशल और सिंगल लोगों के लिए स्पेशल। ज़रूर एक बार भाई विजिट करो, ज़रूर एक बार आओ और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने शेयर कर दो। शुक्रिया सभी का।